हेलो किसान भाइयों, राम राम। मैं राम प्यारे यादव आप सभी को आवर एग्रीकल्चर फैमिली में स्वागत करता हूं। आज किसान भाइयों, मैं आलू लगाया हूं, दो तीन मेड़ आलू लगाया हूं। उस आलू को आप लोगों को दिखाऊंगा। आलू 35 रुपए किलो सफ़ेद बीजा, जो छोटा होता है सफ़ेद बीजा होता है, जो 35 रुपए किलो खरीद के लाया था और उसी को उगाया हूँ। जो अभी तक तो कुछ मतलब 2 महीना कंप्लीट होने को है, बट ठीक से मतलब क्या बोलते हैं, ठीक से उपज नहीं हुआ, क्योंकि पानी हम दे रहे हैं, पानी बोह के पटाना पड़ता है, बोह के भार से पटाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हमारे गांव ऐसा गांव है जहाँ सुविधा नहीं है कुछ चीज़ का, मतलब पानी वानी का बहुत दूर है, पानी वानी बहुत दूर है, इसलिए हम लोग को मतलब कंधे पे ढो के पटाना पड़ता है, टीना के साथ दोनों साइड कंधे पे ढो के पटाते हैं। और दोस्त किसान भाई, आज मैं दिखाऊंगा कि मेरा आलू जो अब जाने वाला है, लग रहा है ये पैदा वैदा होगा नहीं, इसमें फर्स्ट मांदा कर दिया हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 600 का मैं बीजा लाया था और इसमें मेहनत बहुत किया था मैं, लेकिन ये अब लग रहा है ये मेरे को मतलब खाने की योग्य नहीं होगा, लग रहा है अभी इसमें कोई कांदा नहीं निकला है और ये मरने वाला है। दिखाते हैं आप लोग को कि गरीबों के साथ कितना बड़ा अत्याचार होता है, क्योंकि फसल भी अच्छे से पैदा नहीं होता, जो फसल हम लोग उगाते हैं वो भी अच्छे तरीके से पैदा नहीं होता है। इतना बड़ा अन्याय, ये इन लोग के साथ मेरा क्या दुश्मनी है नहीं पता है, जो आलू लगाया थे इसके साथ क्या दुश्मनी है, इसमें समय पे खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, पता नहीं, जमीन भी बहुत अच्छे तरीके से रोटावेटर से जोतवाए थे, बट अभी तक नहीं समझ आता है क्या कमी रह जाता है। चलिए आप लोग को बैक कैमरा से दिखाता हूँ कि मेरा आलू किस तरह पैदा हो रहा है, किस तरह उगा है, किस तरह पौधा है आलू का। ये था सफ़ेद बीजा, सफ़ेद बीज था आलू का और उसी को मैंने लगाया था। लगभग 1 महीना 20 या 25 दिन हो चुका है इसका। चलिए बैक कैमरा से दिखाता हूँ कि 1 महीना 25 दिन में इसका पौधा कितना बड़ा बड़ा होता है। देखिए किसान भाइयों, देखिए ये है मेरा आलू जो मैंने 1 महीना 25 दिन पहले इसको मैं लगाया था, और इसका पौधा अभी इस तरह से है। इसको कल ही पानी दिया हूँ, बट आज सूखने के समान दिख रहा है, आधा आधा तो सूख भी गया है। इधर कल ही पानी दिया था लेकिन इधर का सूख गया है, इसको और पानी चाहिए। कितना पानी पटाया, कम से कम 10-12 बार तो पानी इसमें डाल चुके हैं, बट देख रहे हैं ना ये पौधा दिख रहा है एकदम छोटा छोटा है। कब पैदा, कब इसमें कांदा बैठेगा जो हम इसको खोदेंगे, और कब पता नहीं सब्जी बना के खाएंगे और मार्केट में बेचेंगे, इसका कोई पता नहीं है। ये जो है देख रहे हैं ना, छोटा, कोई पौधा बड़ा है, कोई पौधा छोटा है, बहुत ही दयनीय स्थिति है ये आलू का, क्योंकि और पता नहीं मिट्टी खराब है या उपज क्यों नहीं हो रहा है, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन ये देख रहे हैं कल पानी दिए हैं। इधर देखिए नमी है किसी किसी में और किसी किसी में सूख चुका है। ये देखिए ये है आलू का पौधा जो 1 महीना 25 दिन हो चुका है, 1 month 25 days कंप्लीट हो चुका है। 3 पट्टी भी पूरा कंप्लीट नहीं है, 2 पट्टी पूरा कंप्लीट है और 1 पट्टी हाफ है। और आप लोग को दिखाते हैं, एक भाई है जो मेरे भाई, उसने भी लगाया, उसका भी यहाँ देखिए। इसमें मैं ये बोया था, इसको मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये उगा ही नहीं, एक एक दो दो उगा था इसलिए छोड़ दिया। इसमें था मेथी बोया था, मेथी भाजी। देखिए ये जो मेरे भाई लगाए हैं, इनका पौधा थोड़ा सा मेरे पौधा से थोड़ा सा अच्छा है। इधर बकरी खा गया है, बकरी खा गया, ये पौधा है।
आलू का, इसका भी वही 1 month 25 days कंप्लीट होने वाला है, इसका कम है, इनका कुछ पौधा सही है। यह है आलू, पता नहीं कितने दिन में खुदाई होगा। देख रहे हैं ना, ये आलू का पौधा है इस तरह से, इस साइड का तो थोड़ा बड़ा बड़ा हो चुका है, ये तो कंधा दे देगा।